कर लेते हैं सेकेंड सेट की. यू आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. पहले समझ में आना चाहिए हमें कि एम्ब्रियोलॉजी है क्या. बेटा एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, या कह सकते हो स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. राइट. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के फील्ड में सबसे पहले वॉन बेयर ने एक लॉ दिया था. दैट वाज नोन एज बेयर लॉ, एज पर बेयर लॉ. ये बेयर लॉ जो दिया था किसने दिया था बेटा? वॉन बेयर ने. सो प्रपोज्ड बाय वॉन बेयर. जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो ये पाया जाता है कि पहले वो जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स को डेवलप करेगा और उसके बाद स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स को, ताकि वो बाकी एम्ब्रियो से अलग हो जाए और एडल्टहुड तक आते आते दे शुड चेंज कंप्लीटली. राइट. सो एज पर दिस बियर लॉ, एम्ब्रियोज डेवलप जनरलाइज्ड characters first, followed by specialized characters. Right? इस बेयर लॉ के ऊपर बेस्ड है एक और थियरी जिसे नाम दिया जाता है री कैपिटुलेशन थियरी या बायोजेनेटिक लॉ. बेटा बेयर लॉ के ऊपर बेस्ड ये जो थियरी या बायोजेनेटिक लॉ है, इसे प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकल ने. राइट. एंड व्हाट डिड ही सजेस्ट? इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया व्हिच टर्न्ड हिस्ट्री. आज तक इस स्टेटमेंट को कोई और स्टेटमेंट रिप्लेस नहीं कर पाया व्हेन इट कम्स टू एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज. इन्होंने कहा दैट ऑन्टोजेनी ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी. यहां पर जो ये ऑन्टोजेनी है, इस शब्द का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म वहीं पर फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. राइट. सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ये कहना क्या चाह रहे थे अर्नस्ट हैकल? ये कहना चाह रहे थे कि हर ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर को फॉलो करता है. राइट. सो दैट इज organisms
follow their ancestors during their lifespan, राइट दो इस्लाम में कुछ छोटी मोटी कमियां थी, बट फिर भी इसको लॉ मान लिया गया, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया. सी अगर हम किसी एम्ब्रियो की स्टडी करें तो एम्ब्रियोनल लेवल पर एंसेस्टर से सिमिलैरिटी हो सकती है, पर एडल्ट स्टेज में, क्योंकि उन्होंने तो बोला कि ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ स्पैन में एंसेस्टर को फॉलो करेगा. जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में इसमें पाई गई जो छोटी सी कमी है उसे भी समझा रही हूँ बेटा. दोनों ने क्या बात बोली थी? वॉन वेयर ने कहा कि पहले एम्ब्रियो सिंप्लीफाइड या जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स डेवलप करता है, धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स. वही यहां इन्होंने बोला कि भाई एंसेस्टर को फॉलो करेगा ऑर्गेनिज्म. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल है जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैं दे ऑल आर सिमिलर. कैसे सिमिलर है? सबके पास है वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स, पोस्ट एनल टेल है सबके पास, सबके पास में फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं, राइट. इसके अलावा नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है, राइट. तो सब में सिमिलैरिटी है, चाहे आप एम्फीबियन का एम्ब्रियो ले लो, चाहे रेप्टीलियन का, रेप्टीलिया का, या एव्स का, या मेमेलिया का, दे ऑल लुक वेरी मच सिमिलर ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट. बट अर्नस्ट हैकल ने क्या बोला कि पूरा लाइफ स्पैन वो फॉलो करेंगे. सो अगर मैं एक एडल्ट फिश को देखूं तो क्या एडल्ट फिश और हम में कोई सिमिलैरिटी है? नहीं. जो ये बायोजेनेटिक लॉ था उसमें एक छोटी सी कमी रह गई स्टेटमेंट को बोलने में, देर वॉज कि दे एम्ब्रियोनल जो हिस्ट्री है दैट इज सिमिलर टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, नॉट द कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री. बट स्टिल इवन डिस्पाइट दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स हेयर एंड देयर, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज अ लॉ. बट जो बेसिक लॉ, जो एम्ब्रियोलॉजी का लॉ दिया था, दैट वॉज गिवन बाय वॉन बेयर. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट. सो इससे क्या पता चलता है बेटा? जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं उनमें सिमिलैरिटी इस बात को प्रूव कर रही है कि एविडेंस हुआ है सबके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, राइट. सो दैट वाज आवर सेकंड सेट ऑफ एविडेंसेस. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज लेट्स टेक पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस. बेटा पेलियोन्टोलॉजी है क्या? पेलियोन्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट. और इस के फादर हैं लियोनार्ड डाविंसी. वहीं पर फादर ऑफ मॉडर्न पेलियोन्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है जॉर्ज डी क्यूवियर को, राइट. सो पेलियोन्टोलॉजी से क्या एविडेंसेस मिले, फॉसिल्स की स्टडी से आपको क्या मिलता है? सी पहले तो हम ये समझ लें कि फॉसिल्स हैं क्या. सो वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स या रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स. राइट बहुत अलग अलग टाइप के फॉसिल्स हमने देखे हैं बेटा. दे कैन बी
अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, यानी वो फॉसिल्स जिनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। जैसे मान लो कोई एनिमल था जो कि किसी बर्फीले एरिया के अंदर मर गया और वहीं बर्फ में दब गया, तो उसकी बॉडी आज भी वैसी की वैसी ही मिल रही है, राइट? सो दीज आर यूजुअली फाउंड इन आइस क्लैड एरियाज, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले बेटा, वूली मैमथ जो माना जाता है कि जो मॉडर्न डे एलिफेंट है ये उसका एंसेस्टर था, नॉट है, राइट? नेक्स्ट इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स, यानी वो फॉसिल्स जो कि पूरे के पूरा ऑर्गेनिज्म तो खत्म हो गया बट उनके जो रिमेन्स थे उनमें मिनरल्स के डिपोजिशन से ये फॉसिल्स बने, या कह सकते हो कि हड्डियों के ढांचे बच गए थे, उनमें कैल्शियम एटसेट्रा कुछ भी जमा हो गया, मिनरल्स जमा होते गए, राइट? सो पेट्रीफाइड फॉसिल्स आर बेसिकली मिनरलाइज्ड फॉसिल्स, राइट? दीज आर फॉर्म्ड बाय मिनरलाइजेशन ऑफ रिमेन्स, जैसे कि फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन, कंप्लीट ह्यूमन नहीं मिला, कोई ढांचा नहीं मिला, कहीं पर खोपड़ी मिली है, कहीं पर हड्डियों के छोटे टुकड़े मिले हैं, हड्डियों की मिनरलाइजेशन से बना हुआ पार्ट मिला है, राइट? द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड मोल्ड। मोल्ड फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा? मान लो कोई ऑर्गेनिज्म मरने से पहले कहीं गिरा, मरा था तो किसी जगह पर गिरा, तो उसके जो इम्प्रेशन था उसे आज हम मोल्ड बोलते हैं। अगर हम चाहें उसको भर दें अच्छे से तो उसको भरने से हमें एक ढांचा मिल जाएगा, लाइक गुजिया यू मेक, राइट? सबसे अच्छा एग्जाम्पल गुजिया का लेते हैं। गुजिया का एक सांचा लिया जाता है, यानी दैट इज अ मोल्ड। उस मोल्ड के अंदर जब आप भरोगे डो को, आटे को, तो वो एक शेप ले लेती है, तो उसे पता चलता है कि वो मोल्ड किस शेप का था। तो जो कंप्लीट एनिमल जो वहां गिरा उसका जो सांचा था उसे नाम दिया जाता है मोल्ड, राइट? सो मोल्ड फॉसिल्स आर, दीज आर इंप्रेशंस ऑफ डेड एनिमल्स। वहीं इसके ऑपोजिट कई जगह ऐसी भी है बेटा जहां पर मोल्ड में सामान या कोई सेडिमेंटेशन हो गई और उसकी वजह से पूरे पूरे ढांचे खड़े हो गए, दीज आर नोन एज कास्ट फॉसिल्स। सो द कास्ट फॉसिल्स, दीज आर द फॉसिल्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन मोल्ड, राइट बेटा? तो ये तो थे चार अलग अलग तरीके के फॉसिल्स। अब सवाल आता है कि इन फॉसिल्स ने किस तरीके से हमें एविडेंसेस दिए? बेटा फॉसिल्स की डेटिंग की जाती है, यानी पता लगाया जाता है वो कितने पुराने हैं और उन्हीं से एविडेंसेस का बेस बनता है, राइट? सो वी नीड टू राइट फॉसिल्स आर डेटेड यूजिंग सर्टेन मेथड्स। पहला है रेडियो एक्टिव डिके मेथड, जिसमें अगर बहुत पुराना फॉसिल नहीं है तो इसमें यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग को, राइट? रेडियोएक्टिव कार्बन की डिके को नोटिस करके पता लगाया जाता है कि हाउ ओल्ड इज द फॉसिल। यू विल बी स्टडिंग अबाउट द कार्बन डेटिंग मेथड इन इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर थोड़ा पुराना फॉसिल है तो यहां पर यूज किया जाता है पोटेशियम आर्गन मेथड को, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यहां पर भी रेडियोएक्टिव
मटेरियल एलिमेंट यूज किया जाता है. एंड सिमिलरली यूरेनियम लेड मेथड. गॉट दैट बेटा? वहीं पर अगर हमें बहुत ही प्रिसाइज डेटिंग की रिक्वायरमेंट है तो सबसे एफिशिएंट मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड या ESR. राइट, नोबडी इज गोना आस्क यू अबाउट इट इन डिटेल. क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड कौन सा होता है, दैट इज गोना बी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. राइट, अब हम आ जाते हैं बेटा कि इस डेटिंग और फॉसिल्स कोर्स की स्टडी का फायदा क्या हुआ. राइट, सो द क्वेश्चन इज हाउ डज स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर डेटिंग provides evidence of evolution. Right, how does it provide that? ये question है हमारा. So बहुत simple सी चीज है बेटा, इस बात को ध्यान से सुनना. Fossils को study किया, so होता क्या है बेटा, जो fossils हैं, फॉसिल्स की स्टडी की जाती है स्पेशल रॉक्स के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी वो रॉक्स जो कि परत बाय परत धीरे धीरे मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से बनी है. इन रॉक्स में जो फॉसिल जितना नीचे होगा, इसका मतलब वो फॉसिल उतना ही पुराना है, तो उन परतों में मिलने वाले फॉसिल से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक टाइम स्केल तैयार हो जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉसिल पहले आया, उसके बाद उससे क्या रिलेशन है ऊपर वाले का. सो उनके बीच में आप कैरेक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं जिसकी वजह से कनेक्टिंग लिंक्स मिलेंगे. अगर मान लो कोई ऐसा कोई एनिमल का फॉसिल मिलता है जो कि सिमिलैरिटी तो रखता है करंट एनिमल से, बट उसके जैसे एनिमल्स अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें हम मिसिंग लिंक्स कहते हैं. टाइम स्केल्स तैयार हो जाते हैं, साथ साथ जो डेटिंग है उसे और एक्यूरेसी मिलती है कि कौन सा फॉसिल कब मिला करता था. तो इस चीज की वजह से हम एंसेस्टर्स तक एक लिंक क्रिएट कर पाते हैं. राइट, सो हाउ डज इट डू दैट, इस चीज को पढ़ लेते हैं बेटा. सबसे पहली चीज, स्टडी ऑफ फॉसिल्स in different layers of sedimentary rocks helps in assessing the time period in which the organism existed. इसकी वजह से बनता है geological time scale. So it helps in creating geological time scale, यानी जब से अर्थ बनी है तब से लेकर के अभी तक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से किस किस टाइम पर डेवलप होते गए, उन सब का एक स्केल तैयार हो जाता है जिससे कि कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. इसी तरीके से इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग certain other evidences like connecting and missing links too. Right, इस paleontological study की ही माने, मतलब इसी के वजह से ही it is possible for us to study the complete phylogeny of human. हम ढूंढ पाए हैं हमारे
एंसेस्टर्स के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन इस पेलियोन्टोलॉजिकल स्टडी की वजह से ही मिली है. सिमिलरली वी हैव स्टडीड अबाउट हॉर्स, वी हैव स्टडीड अबाउट डायनासोर्स एटसेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं की मदद से हमें मिल पाई है. राइट, सो दैट वॉज विद दिस वी आर डन विद वन मोर एविडेंस. कौन कौन से एविडेंसेस हमने पढ़े बेटा? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से मिलने वाले एविडेंसेस, वी टॉक्ड अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, वी टॉक्ड अबाउट द पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट एविडेंस. और इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि यस, इवोल्यूशन एक्चुअली हैपन एंड इट्स ऑल्सो हैपनिंग, इट्स अ कंटिन्यूअस स्टोकेस्टिक प्रोसेस. लास्ट एविडेंस इज फ्रॉम बायो जियोग्राफिकल स्टडी. राइट, सो बायो जियोग्राफिकल evidences, right बेटा? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं बायोजियोग्राफी का मतलब क्या होता है. बायोजियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी पेड़ पौधे जो मिलते हैं in a particular region, right? बेटा जब इनकी study की गई तो इनसे हमें बहुत सारे ऐसे evidence, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जो कि इस बात को indicate करते हैं कि हम सभी एक ही point से originate हुए, यानी या तो divergence हुआ है और divergence के बाद कहीं कहीं पर convergence भी देखने को मिला है, right? माना जाता है कि जब तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, जब तक प्लेटोनिक मूवमेंट्स, अर्थ के प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स नहीं हुए थे, तो अर्थ पूरी एक सिंगल सॉलिड मास थी. यानी जो लैंड था वो एक मास में था जिसे पेंजिया कहा गया, जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक को यूरेशिया, एक को गोंडवाना आइलैंड कहा गया. सो यही शुरुआत थी इस बात की कि भाई कहीं ना कहीं मूवमेंट्स चल रहे हैं अर्थ के अंदर, और उसकी वजह से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अलग होते जा रहे हैं. और साइंटिस्ट इसी वजह से इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हुए कि चलो इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर फ्लोरा एंड फौना की स्टडी करें. राइट, सो टिल कार्बोनिफेरस एरा, बेटा कार्बोनिफेरस एरा इज वन ऑफ द एरा ऑफ, आई मीन सॉरी, कार्बोनिफेरस पीरियड इज वन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. सो जिसके बारे में आप डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, तो कार्बोनिफेरस पीरियड तक अर्थ वॉज इन फॉर्म ऑफ अ सिंगल लैंड मास कॉल्ड पैंजिया. राइट, और ये जो पेंजिया था, इट डिवाइडेड ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या प्लेटोनिक मूवमेंट्स की वजह से ये डिवाइड हुआ इनटू टू लैंड मासेस. वन वाज गोंडवाना आइलैंड and the other was Eurasia, right beta? अब इस पर biogeographical study की गई, और जिस इस field के अंदर सबसे ज्यादा जो important काम किया था वो किया था Wallace ने. So what Wallace did, Wallace divided earth in six biogeographical reams. Right? कौन कौन से थे ये reams? These were Nearctic, Palearctic, Neotropical, Oriental, Australian,
एंड इथोपियन रीम, राइट बेटा। और इस स्टडी के टाइम पर इन्होंने फ्लोरा एंड फौना के तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किए, राइट। दे फाउंड टाइप्स ऑफ बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस थे बेटा ये? यही डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमें एविडेंस मिला था। सबसे पहले टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने फाइंड किया, दैट वाज डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दो अलग अलग लैंड मासेस पर, दो अलग अलग आइलैंड्स के ऊपर, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग महाद्वीप पर एक जैसी फ्लोरा या फौना का मिलना। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ इस चीज का, पहले इस बारे में समझा दूं। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फ्लोरा एंड फौना ऑन टू जियोग्राफिकली सेपरेटेड रीजन्स या आइलैंड्स, राइट। आइलैंड्स, रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ बेटा, प्रेजेंस ऑफ एलिगेटर्स, घड़ियाल जो हैं, मैंगोज, राइट, सासाफरास, ट्यूलिप्स एटसेट्रा इन अमेरिका, आई मीन इन यूएसए, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। दोनों कितने सेपरेटेड है पर दोनों में ये मिल रहे हैं। इसी तरीके से प्रेजेंस ऑफ लंग फिशेस देखा गया इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट बेटा। ये बिल्कुल ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज थे पर इनमें फ्लोरा एंड फौना काफी हद तक सिमिलर थी, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन वाज कि हाउ वाज इट पॉसिबल, राइट। तो इस बात को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो ये यूएसए एंड चाइना था, कभी ये एक आइलैंड हुआ करते थे, धीरे धीरे इनमें प्लेटोनिक मूवमेंट हुआ, दोनों सेपरेट होते चले गए और इनकी फ्लोरा एंड फौना इनके साथ चली गई, राइट। आज की डेट में दोनों जगहों पर सिमिलर फ्लोरा एंड फौना है, सिमिलर आई सेड नॉट सेम, सिमिलर फ्लोरा एंड फौना है, क्योंकि उन्होंने अब अपने सेपरेट जो ज्योग्राफिकल उनका जो नाइके है, उनकी जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। यानी इस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ने इन्हें रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट बना दिया। आज की डेट में अगर आप जो अमेरिकन फ्लोरा या फौना है और जो चाइनीज फ्लोरा एंड फौना है, अगर उनको आप एक साथ छोड़ भी दो तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। यानी ये इस बात को प्रूव करता है कि सेम ओरिजिन था, सेम एंसेस्टर था, बट अपनी अपनी जगहों पर पहुंचकर अपनी अपनी अडेप्टेशन के कारण आज वो कुछ अलग हो गए, रिप्रोड्यूस अब आपस में नहीं करते, दे आर एंटायरली डिफरेंट स्पीशीज। आई होप इट इज क्लियर। स्पीशीज की डेफिनेशन याद है ना, कि वो आपस में रिप्रोड्यूस केवल अपनी ही स्पीशीज में करते हैं, दूसरों से नहीं। तो सिमिलैरिटी है बट दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, एंड वो दो स्पीशीज क्यों बनी? बिकॉज ऑफ दी अडेप्टेशन, अडेप्टेशन की वजह से रेडिएट कर गए एक दूसरे से दूर, राइट। सो लेट मी राइट इट। इट शोज दैट जियोग्राफिकल आइसोलेशन ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
लेड टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू स्पीशीज विच वर समहाउ सिमिलर. थोड़ी सिमिलैरिटीज इनमें थी, राइट. जैसे पता चलता है ना कि सिमिलर ओरिजिन है हमारा, राइट. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. मैं एक बार टैब देख लूं बेटा, आई जस्ट टेंड टू फॉरगेट द टैब मैंने कौन सा यूज किया. आई गेस ए लिखा है, स्मॉल एस. दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें बायोजियोग्राफिकल स्टडी से मिला, जो हमें नई ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, दैट वाज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है दो प्रीवियसली सेपरेटेड आइलैंड्स पर, दो प्रीवियसली सेपरेटेड जो रीजन्स हैं उनमें सेम फ्लोरा एंड फौना का मिलना, राइट. सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फ्लोरा एंड फौना इन टू प्रीवियसली सेपरेटेड रीजन्स विच आर नाउ जॉइंट ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, राइट. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका. सो साउथ अमेरिकन फौना हैड मैमल्स लाइक हॉर्स, घोड़े थे यहां पर, रैबिट्स थे एंड हिप्पोपोटामस थे, राइट. बट जैसे ही साउथ अमेरिका के साथ नॉर्थ अमेरिका जुड़ा, तो नॉर्थ अमेरिकन जो फौना थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी, उसने इनके साथ कंपटीशन किया, वो बेटर अडेप्टेड थे, उन्होंने इनको खत्म कर दिया. और आज के डेट में दोनों में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, केवल वही फौना मिलती है जो कि नॉर्थ अमेरिका से आई थी, राइट. सो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन. यहाँ पर भी एविडेंस शो हो रहा है, यहाँ पर भी इवोल्यूशन का एविडेंस शो हो रहा है मुझसे कि भाई इवोल्यूशन है क्या, जो बेटर अडेप्ट कर जाएगा अपने को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वही सर्वाइव करेगा और उसी से नई स्पीशीज क्रिएट होंगी. और ऐसा ही हुआ और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म अलग होते चले गए. बट वेन नॉर्थ अमेरिका केम क्लोज टू साउथ अमेरिका विथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो क्या हुआ बेटा? इसकी वजह से साउथ अमेरिकन फौना वॉज ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना. तो दो तरीके के हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन तो पढ़ ली और दोनों ही एविडेंस दे रही हैं कि इवोल्यूशन होता है. एक जगह पर हमने देखा कि दो सेपरेट एरियाज में भी सिमिलर फौना मिलती है और दो जो पहले सेपरेटेड थे अब क्लोज आ गए, उनमें भी एक ही टाइप की फौना या फ्लोरा देखने को मिल सकती है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं अडेप्टेशन रिस्पॉन्सिबल होती है.
थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी सॉ वाज रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्ट्रिक्शन है, यानी कोई स्पेशल टाइप की फ्लोरा या फौना एक स्पेसिफिक एरिया में मिल रही है. सो रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोरा और फौना इन अ पर्टिकुलर और इन अ रिस्ट्रिक्टेड रीजन. जैसे कि प्रेजेंस ऑफ पाउच्ड मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया. माना जाता है कि बेटा जब ऑस्ट्रेलिया बाकी लैंड मासेस से अलग हुआ तो वो कुछ एनिमल्स को वहां लेके चला गया, वहां कंपटीशन की कमी थी तो ये फले फूले और आज की डेट में सारे पाउच्ड मैमल्स हैं. हो सकता है पहले एक सिंगल टाइप का कोई एंसेस्टर रहा हो, अब इनको खूब सारे बिना कंपटीशन की जगह मिली, बहुत सारी हैबिटेट मिली, ये धीरे धीरे चेंज होते चले गए और आज की डेट में वाइड वैरायटी अवेलेबल है वहां पर पाउच्ड मैमल्स की. तो अगेन एडेप्टेशन चाहिए किसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. अब वो एनवायरमेंट अगर आपको कॉम्पिटिशन फ्री मिल गया तो आपको एडेप्टेशन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज मिल जाती है, राइट. सो व्हाई डिड दिस ऑल हैपन? With separation, of Australia from mainland mass pouched mammals got restricted to Australia and flourished with adaptation to wide availability of habitats, right beta? इस restricted distribution की वजह से ऑस्ट्रेलिया में दो टाइप के evolutions देखने को मिले, यहां पर दो टाइप का adaptations देखने को मिली. Right, so we have types of evolution जिनको हम एनसीईआरटी में दिए गए डायग्राम्स की मदद से ही पढ़ लेते हैं. राइट, क्या देखा गया बेटा यहां पर? यहां देखा गया कि जो मार्सुपियल्स हैं या पाउच्ड मैमल्स हैं, जिन्हें मैंने अभी भी बताया कि पाउच्ड मैमल्स को कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा था, दे वर एब्सोल्युटली फ्री, कोई कंपटीशन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उनके एंसेस्ट्रल स्टॉक से, जो मार्सुपियल्स का एंसेस्टर था, जो पूर्वज थे, उनसे ये अलग होते चले गए. क्यों? क्योंकि नई जगह थी, कंपटीशन था नहीं और नई हैबिटेट मिली, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया. तो ये इस मेन पॉइंट से बाहर की तरफ को अडेप्ट कर रहे हैं, रेडिएट करते चले गए, राइट. सो कौन से टाइप का ये इवोल्यूशन था बेटा? सबसे पहली चीज जो यहां देखने को मिली दैट वॉज हियर वी सॉ adaptive radiation. Right? या फिर कह सकते हो इसे divergent evolution. क्या था बेटा ये divergent evolution? Marsupials or the pouched mammals
इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी of different habitats they literally diverged from their ancestral स्टॉक। और आज की डेट में हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के मार्सुपियल्स अवेलेबल हैं जंगल में रहने की वजह से। ये भेड़िए जैसे दिखने लगे, दे वर नोन एज तस्मानियन वुल्फ, जो खुले मैदानों में थे, बड़े साइज के थे, पाउच्ड मैमल्स, इन्हें कैंगरू कहलाए, जिन्होंने बिल खोद के रहना शुरू कर दिया। दे वर मार्सुपियल रैट्स, पेड़ों पर पाए जाने वाले बन गए कोआला, बट दे हैड कॉमन एंसेस्ट्री। बेटा इसका मैं एक और एग्जाम्पल भी ले सकती हूं। अनदर एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक इज डार्विन्स फिंचेस। डार्विन फिंचेस थी क्या? दीज वर स्पेशल बर्ड्स विद बीक्स with the different beaks adapted to their food habits, right? इनकी अलग अलग टाइप की बीक्स थी बेटा। और ये मिले कहां थे? जब डार्विन पहुंचा था गैलापागोस आइलैंड, तो वहां पर उनको ये सारी चिड़िया मिली। ऐसा दिखने में लग रहा था कि सारी चिड़िया होनी तो एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट होनी चाहिए थी, बट इन सबकी चोंच अलग अलग क्यों है? तो इनकी चोंच में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि इनको उस जगह पर कोई कंपटीशन नहीं मिला, नया हैबिटेट मिला, नई फूड हैबिट्स मिली, और इसलिए इन्होंने अपनी चोंच को उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया। राइट, दीज वर द बर्ड्स विद डिफरेंट बीक्स अडेप्टेड फॉर देयर फूड हैबिट्स बट हैड common ancestry, right? और ये जो Darwin's finches हैं, ये पाई कहाँ गई थी? These were found on Galapagos Island. Got that? तो restricted type of distribution से भी हमें evidences मिलते हैं कि adaptation वो reason है जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स चेंज होते चले गए और उसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। सेकेंड टाइप ऑफ इवोल्यूशन दैट वॉज फाउंड हियर वॉज कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन और अडेप्टिव कॉन्वर्जेंस। अब ये है क्या बेटा? जैसे एनालॉगस ऑर्गन्स बने थे, तो वहां समझ नहीं आ रहा था कि मैम एनालॉगस ऑर्गन्स को क्यों इवोल्यूशन के एविडेंस में रख रही है, क्योंकि हमें तो कॉमन एंसेस्ट्री दिखानी है। यहां वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि जैसे होमोलोगस में तो सिंगल ओरिजिन से अलग हुए अडेप्टेशन की वजह से, इसलिए बोल सकते हैं कि हम एक पॉइंट से आए जी इवॉल्व हुए। बट एनालॉगस भी एक एविडेंस है, और ज्यादा इस बात को क्लियरली मैं यहां समझाती हूँ बेटा। रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था ऑस्ट्रेलिया में, राइट? वहां पर कुछ प्लेसेंटल मैमल्स भी थे और कुछ मार्सुपियल्स पाउच मैमल्स भी थे, राइट? हमने कहा कि ये मार्सुपियल्स वहां पर तब पहुंचे जब जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल अलग हो गया, तो बाकी एरियाज में बचे ही नहीं पाउच मैमल्स, सिर्फ यही बचे और वो फले फूले क्योंकि उन्हें कोई कंपटीशन नहीं मिला। बट इसी एरिया में बेटा आपके नॉर्मल प्लेसेंटल मैमल्स भी तो थे। तो यहां पर दो टाइप के एंसेस्ट्रल स्टॉक्स अवेलेबल थे। मैंने बहुत छोटा बना दिया इसको, यहां पे लिख लेती हूं मैं प्लेसेंटल
मैमल्स का एंसेस्ट्रल स्टॉक राइट बेटा, और यहां ले लेते हैं मार्सुपियल एंसेस्ट्रल स्टॉक, मतलब मार्सुपियल्स के एंसेस्टर्स हैं और एक तरफ ले लिए नॉर्मल प्लेसेंटा वाले मैमल्स के एंसेस्टर्स। अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब एक जगह पर एक से ज्यादा हैबिटेट्स मिलती हैं तो ये अपने आप को अडेप्ट कर जाते हैं कॉम्पिटिशन की एब्सेंस में, और ये अपने पूर्वजों से अलग हो जाते हैं। देखो ये पूर्वजों से अलग होते चले गए, यानी पूर्वजों से ये डाइवर्ज हो गए, किरणों की तरह बाहर निकल आए। राइट, सिमिलर थिंग वॉज सीन हियर इन केस ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। राइट, जब एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, एक छोटे एरिया के अंदर दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रहे हैं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या अडेप्टिव रेडिएशन है, मैं इसको अडेप्टिव रेडिएशन लिख देती हूं राधा, अडेप्टिव रेडिएशन यहां भी हो रही है और ये भी अपने एंसेस्टर से अडेप्ट होकर के अलग हुए, अडेप्टिव रेडिएशन। इफ वन सिंगल एरिया विद मल्टीपल हैबिटेट्स हैज मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, तो जो रिजल्टेंट प्रोजेनी होती है बेटा वो आपस में एक दूसरे के जैसे हो जाते हैं। जैसे मार्सुपियल जो कि सपोज लेट्स से एक जंगल में पहुंच गए, वो कहलाए तस्मानियन वुल्फ। वहीं पर जो प्लेसेंटल मैमल्स जंगल के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर गए वो कहलाए नॉर्मल वुल्फ, और देखो इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। राइट, ऐसे ही बॉब कैट और तस्मानियन टाइगर कैट के अंदर सिमिलैरिटी है। तो जब एक जगह पर दो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं अलग अलग पूर्वजों से, अलग अलग पॉइंट से, दो अलग अलग टाइप के, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये मेन ओरिजिन पॉइंट्स है मेरी हथेलियां, तो इनसे डाइवर्ज होकर के नई स्पीशीज बनी एक ही एरिया में, एक ही जैसे हैबिटेट में रहने की वजह से ये जो आपस में इनमें सिमिलैरिटीज आ जाएंगी और इससे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, जैसे कि एनालोगस ऑर्गन्स बने थे अलग अलग पूर्वजों से आकर के, हो सकता है होमोलोगस ऑर्गन्स डेवेलप हुए हो और उन्हीं ऑर्गन्स में धीरे धीरे अडेप्टेशन की वजह से दो होमोलोगस ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के जैसे दिखने लग गए हो, वही यहां पर भी देखने को मिला। राइट, सो व्हाट वी सी हियर इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और अडेप्टिव कन्वर्जेंस, यहां हो क्या रहा है बेटा, when more than one adaptive convergence occurs in one geographical area, बस ज्योग्राफिकल एरिया में क्या होनी चाहिए, मल्टीपल हैबिटेट्स देन अडेप्टिव कॉन्वर्जेंस इज सीन in resultant species. What that beta? So यहां पर यह भी इस बात का प्रूफ दे रही है कि इवोल्यूशन होता है बेटा। अगर यही जो अडेप्टिव कन्वर्जेंस है अगर ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होती है, या ये कह सकते हो इफ दिस कॉन्वर्जेंट evolution occurs in two closely related species, then it is called
पैरेलल इवोल्यूशन, राइट? अब उन्हें दूर दूर से एक जैसा नहीं होना, देयर स्पीशीज जो कि पहले ही काफी सिमिलर थी, अब अगर वो एक पॉइंट तक अपने आप को अडेप्ट कर भी लेंगे तो ऐसा लगेगा कि पैरेलली ये इवॉल्व हुई है. गॉट दैट? सो यहां पर हमें क्या समझ में आया ओवरऑल? मैं पूरी कहानी एक बार जल्दी से समराइज कर दूं बेटा. व्हाट वी डिड, वी स्टडीड अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. बट अगर हम उन थियोरीज की माने तो हम एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुए थे. तो सवाल ये था कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट होकर के भी सभी ऑर्गेनिजम्स अलग अलग क्यों हैं? तो हमें उसके लिए प्रमाण, उसके लिए एविडेंस, प्रूफ चाहिए था जो ये बताए कि हाँ जी इवोल्यूशन हुआ है. सो उस चीज को समझाने के लिए हमने एविडेंसेस पिक किए, कुछ एविडेंसेस लिए हम लोगों ने एनिमल्स की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी से, उनके स्ट्रक्चर से. तो हमने पाया कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें होमोलोगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट देखा गया, जो कि पहले फंडामेंटली तो एक थे बट अब अपने आप को अडेप्ट करके अलग दिखने लग गए हैं, राइट? जो कि इस बात का प्रमाण है कि सभी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए. नेक्स्ट वाज एनालोगस ऑर्गन्स. एनालोगस ऑर्गन्स वो हैं जो अडेप्टेशन की वजह से आज की डेट में एक जैसे दिखने लग गए, जबकि ओरिजिन एक नहीं था. तो जिसको मैं यहां पर भी मैंने समझाया कि हो सकता है कि दो होमोलोगस ऑर्गन्स रहे हो और उन्होंने सिमिलर अडेप्टेशन शो करी हो, इसलिए एक जैसे हो गए. तो ये भी एक इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन है क्या? वैसे मैं सबको पहले बार बताई दूं, इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि धीरे धीरे करके ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बना रही है, बनाने में मदद कर रही है जो कि एनवायरमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड हो. और इसका रिजल्टेंट ये है कि धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले गए, राइट? इवोल्यूशन हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टोकेस्टिक है, दैट मीन्स इट इज रैंडम, कभी भी हो सकता है, अचानक से अपने आपको प्रेजेंट कर देगा, राइट? सो इस इवोल्यूशन के हम प्रूफ ढूंढ रहे थे. सो थर्ड एविडेंस वाज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन से पता चला कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो कि हो सकता है हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहे, पर हमारे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये काम कर रहे हैं उससे हमारा कोई ना कोई रिलेशन तो है, यानी वो हमारा पूर्वज हो सकता है या हो सकता है सभी एक ही पूर्वज से आए हों. सिमिलरली एटाविज्म, अचानक से किसी पूर्वजी कैरेक्टर का आ जाना, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का आ जाना जो कि आज तक था ही नहीं, ये भी इस बात का प्रूफ है कि वो एनिमल जिसमें वो और वो कैरेक्टर हमेशा से प्रेजेंट था, वो ऑर्गेनिज्म हमारे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. सिमिलरली देर आर कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स वो एनिमल्स या वो प्लांट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दो ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स को आपस में जोड़ते हैं, दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं. और इससे पता चलता है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल एंसेस्ट्री से आए हैं, यानी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, राइट? इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस दिए गए. जब एम्ब्रियो की स्टडी की गई तो पाया गया कि एम्ब्रियो जब शुरुआती लेवल पर थे तो सारे जितने भी एक ही, बताइए मान के चले कि जो ऑर्गेनिजम्स में हम समझते हैं कि उनमें लिंक रहा होगा, उन ऑर्गेनिजम्स के सबके एम्ब्रियो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं. तो ये इस बात का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं वो सभी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए, इसलिए एम्ब्रियोनल लेवल पर सिमिलैरिटी शो करते हैं. नेक्स्ट इज योर बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, सॉरी पेलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस, यानी जीवाश्म विज्ञान से मिलने वाले एविडेंस. सो जीवाश्म विज्ञान से हमें क्या एविडेंस मिला? जीवाश्म विज्ञान से हमें बेटा जो एविडेंस मिलता है वो ये कि जब हमने फॉसिल्स की स्टडी करी सेडिमेंटरी रॉक्स में, तो हमने पाया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम पर अवेलेबल था, उससे एक स्केल बन गया, उससे एक लिंक तैयार हो गया कि पहले ये ऑर्गेनिज्म आए, फिर इनसे इवॉल्व होकर के ये बने, उसके बाद ये बने. तो डेटिंग एंड फॉसिल्स की स्टडी ने इस चीज में हमें मदद की, साथ ही साथ हमने कनेक्टिंग लिंक्स को भी ढूंढ लिया. सो इससे इवोल्यूशन का पता चलता है. सिमिलरली बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस भी मिले, जिसको मैंने शायद शुरुआत में बायोजियोलॉजिकल लिख दिया है बाय मिस्टेक, इसको बेटा करेक्ट कर लोगे आप, जस्ट अ मिनट, इसमें सिर्फ मेरा अभी ध्यान गया, सो सॉरी फॉर दैट. बायोजियोग्राफिकल बहुत गंदा लिखा हुआ है बट दैट्स ओके. सो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या है बेटा? बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस हैं जो कि किसी एरिया के अंदर मिलने वाले पौधों और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर समझा रहे हो कि इवोल्यूशन हुआ है. जब इसकी स्टडी की गई तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए, हमने क्या, इनफैक्ट वॉलेस ने अपनी सहूलियत के लिए अर्थ को 6 रीम्स में बांट दिया कि भाई इधर ये फ्लोरा मिलती है, इधर ये फौना मिलती है, राइट? तो प्लांट्स और एनिमल्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन की जब स्टडी की उन्होंने, तो उन्होंने पाया कि दो अलग अलग पाए जाने वाले आइलैंड्स पर भी सिमिलर फ्लोरा फौना मिल सकती है, दो जुड़े हुए एरियाज जो पहले एक साथ नहीं थे उन पर भी सिमिलर फ्लोरा एंड फौना मिल सकती है, वो एरिया जो कि बिल्कुल अलग हो गया बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वहां पर भी एक स्पेसिफिक टाइप की फ्लोरा फौना मिल सकती है.
जिसे हमने कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यू सॉरी डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एंड रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इस बात का प्रमाण है कि दो एरियाज जो बिल्कुल अलग थे जब वो मिले बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो हो सकता है उनमें उसके फ्लोरा फौना के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ हो, जो बेटर अडेप्टेड था उसने दूसरी जगह ले ली और आज की डेट में पुराने वाले खत्म हुए और जो बचे उन्होंने कॉम्पिटिशन की एब्सेंस में खूब फले फूले और अलग दिखने लगे। दूसरा था डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दो एरियाज जो कि बिल्कुल सेपरेटेड हैं, जैसे यूएसए और चाइना इनिशियली शायद कभी एक रहे होंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण अलग हो गए, यहाँ पर अब सिमिलर स्पीशीज मिलती है, नॉट सेम, सिमिलर स्पीशीज, यानी वो स्पीशीज जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, राइट। यहाँ ये पाया गया कि दो एरियाज जो कभी एक हुआ करते थे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से अलग हो गए, तो उनके साथ में फ्लोरा एंड फौना भी डिवाइड होगी। अब वो बिल्कुल अलग एरियाज में चले गए, राइट, तो उनके बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ गया, यानी ज्योग्राफी की वजह से, मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बैरियर क्रिएट होने की वजह से वो अलग हो गए। अब वो आपस में मिलजुल सकते नहीं थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने अपने आप के बीच में ही रिप्रोडक्शन शुरू किया और वो आज की डेट में दोनों रीजन्स की अलग अलग स्पीशीज हैं। दिखने में कुछ सिमिलैरिटीज हैं बट दे आर इंटायरली डिफरेंट, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम एंसेस्टर बट दे आर इंटायरली डिफरेंट, राइट। वही रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में ये पाया गया कि मान लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कोई एक पार्ट अलग हो गया, जैसे गैलापागोस आइलैंड मेन आइलैंड से अलग हुआ था, जैसे ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड से अलग हुआ था, तो वो अपने साथ में अपनी फ्लोरा एंड फौना को ले गया, वहां पर कंपटीशन नहीं मिला, कंपटीशन की एब्सेंस में जो एनिमल्स या प्लांट्स उस जगह पर मिलेंगे वो खूब फलेंगे फूलेंगे, नई हैबिटेट्स में जाएंगे और अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, और इस अडेप्टेशन की वजह से उसी पर्टिकुलर एरिया में एक ही एंसेस्ट्री से आने वाले पर थोड़े थोड़े अलग दिखने वाले एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बन गए मार्सुपियल्स या पाउच मैमल्स, जो कि अलग अलग शक्ल सूरत के थे, कैंगरू तस्मानियन वुल्फ और देयर वर मेनी। ऐसे ही गैलापागोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस देखने को मिली। वही एक चीज और यहां पर समझने में आई बेटा, वो ये कि अगर एक एरिया में जहां पर एक से ज्यादा हैबिटेट्स अवेलेबल हैं, सो वहां पर अगर डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन हुआ, यानी एक एंसेस्ट्री से कोई नए एनिमल्स बन रहे हैं, तो वो आपस में काफी क्लोज आ जाते हैं, यानी उनमें कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन देखने को मिलता है, विच रिजल्ट्स इन एनालोगस ऑर्गन फॉर्मेशन टू। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।